गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा हस्त पुनीत होहे तत्काल बिनस जाहे माया जंजाल। रसना रंभो राम गुण नीत सुख पावहो मेरे भाई मीत। लेख लेखन कागद मसवाणी राम नाम हर अमृत बाणी रहाओ। एह कारज तेरे जाहे विकार सिमरत राम नाही जम मार। धर्म राय के दूत ना जो है माया मगन ना कछु है। धर्म राय के दूत ना जो है धर्म राय के दूत ना जो है माया मगन माया मगन ना कछु है मोह है। उदर है आप तरह संसार राम नाम जप एकंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश राम नाम हृदय प्रवेश। जा कै माथै एहो निदान सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना। वाहेगुरु। साध संगत जी जो सरलेख आया है राग गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा चौपदे दुपदे इनू दुपदे नहीं बोलना दुप नहीं कहना दो पदे इं पाठ हुंदा है भाव दो दो पदियां वाला शब्द चौपदे दो पदे जिथे भी ये पाठ आवे इस तरह उचारण अपने ख्याल विच रखना। हाँ जी। राग गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा चौपदे दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तेस स्यो मन रचना। कहो गुसाई मिलिए केह जो बिवरजत तेस स्यो नेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। बिवरजत पाठ का ख्याल रखना सब जितने भी पाठी अपना या पढ़ने वाले हैं पाठ बिवरजत नहीं करना। हाँ जी बिवरजत पाठ। हाँ जी। हाँ जो बिवरजत तेस स्यो नेह। हाँ जो बिवरजत तिस स्यो नेह। महापुरश दस रहे ने भी बिवरजत इदा नहीं पाठ करना बिवरजत करना है। बबे नू पहले बबे नू सियारी लगी है उस तो बाद बरजत बिवरजत। हाँ जी। जो रोकया होया है जो बिवरजत है उदे नाल असी मोह कर रहे हैं। एक बेनती यह भी है साध संगत जी भी विश्राम दो तरह के होंगे। एक विश्राम होंगे अर्थां वास्ते एक विश्राम होंगे पाठ की चाल वास्ते। तो जिमें पिछे पंक्ति आई सी धर्म राय के दूत ना जो है अर्थां वास्ते इदा पाठ लगता तो जे पाठ वास्ते विश्राम करलाना है तो फिर धर्म राय के दूत ना जो है इस तरह ये ख्याल रखना है। कई बार भुलेखा पैंदा है सो वो समय समय नाल दस्या जाएगा। अजे आपां पाठ वल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस करके पाठ की चाल नूं मुख रख के विश्राम लवाए जाते हैं। कहो गुसाई मिलिया केह जो बिवरजत तिस स्यो नेह। रहाव झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगै ना राती। बावै मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना। दोहा सिरिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। साध संगत जी आवाज दी किते कोई मुश्किल तो नहीं सब नूं सुन रहा है सही तरीके नाल। जे किते कोई शिकायत होवे तां भाई वो दस देवे जे सही ना सुनदा होवे तां। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा कलयुग मह मिल आए संजोग। जिचर आग्या तिचर भोग है भोग। जला ना पाईए राम स्नेही किरत संजोग सती उठ होई रहाओ। देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग ना पावै बहु जोन प्रमाइए बहु जोन पवाइए।
प्रेय संग न पावै बहु जोन पवाईऐ सील संजम प्रेय आग्या मानै सील संजम प्रेय इत्थे विश्राम लाउणा सील संजम प्रेय हाँ जी सील संजम प्रेय आग्या मानै सील विच रहे संजम विच रहे पति दी आग्या नू मन्ने पालन करे सती प्रथा दा विरोध करदिआं होइआं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने असली सतवंती दे गुण इस शब्द दे विच दर्शाए ने पति वरता धर्म विच जो परपक रहिंदी है वह असल विच सतवंती है। महाराज ने उपर वचन कहे ने ना कि सड़ के मरिया कोई उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकनी देखा देखी मन का हठ करके चिता विच बह के भावें सड़ के मर जावे पति का साथ प्राप्त नहीं होना जूना विच भरमना भटकना पैना है। फिर सतवंती दे गुण की ने सील सुभा धर्म की परपक्ता रखे संजममई जीवन रखे पति की आग्या का पालन करे उसनू दुख नहीं प्राप्त हुंदा जिसने पति नू परमेश्वर करके मन्निया पूर्ण तौर पर सत्कार रखे है। महाराज कहिंदे ओ असल विच सती है धनता योग है ते वाहिगुरु दे दर ते प्रवान है। हाँ जी सील संजम प्रेय आग्या मानै सील संजम प्रेय आग्या मानै तिस नारी कहो दुख ना जमानै कहो नानक जिन प्रेयो परमेश्वर कर जानिया धन सती दरगह परवानिया। गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा हम तनवंत भाखट सच नाय हर गुण गावहै सहज सुभाय रहाउ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना रतन लाल जागा कशु ना मोल भरे भंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल भाई तोट ना आवै वध दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एद खजाने लया रलाए। साध संगत जी ये शब्द जो आप जी ने हुण पढ़िया है ते सरवण कीता है धन सतगुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी जदों गोइंदवाल साहिब जी तो सतगुरु अमरदास जी दे सपुत्र बाबा मोहन जी पासों अमृत रूप गुरबाणी दियां पोथियां लैके आए सन गोइंदवाल तो श्री खडूर साहिब हुंदिया होया अमृतसर पहुँचे दुख भंजनी बेरी दे नज़दीक जो थड़ा साहिब है जिसनों आपां 68 घाट तीर्थ भी कहिंदे हाँ इस अस्थान ते पालकी दा उतारा होया सी और सारी रात चौर दी सेवा हुंदी रही अमृत वेले दे दीवान उपरंत सतगुरु सच्चे पातशाह जी आए उन्हां पावन गुरबाणी दियां पोथियां दे दर्शन दीदार कीते प्रकाश करके शब्द पढ़े तदों सतगुरु जी ने यह पावन शब्द उदों उचारण कीता सी कि हम तनवंत भागठ सच नाए हर गुण गावह सहज सुभाए रहाओ पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। ये इस शब्द की उथानका है ये इतिहास है कि उन्हां पोथियां दे दर्शन करन उपरंत महाराज जी ने यह पावन शब्द उचारण किया सी। हाँ जी